हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज के इस प्यारी से रीडिंग के अंदर। चाहे आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस चैनल के अंदर विजिट कर रहे हैं, या फिर आप एक इस पूरी प्यारी फैमिली का एक बहुत ही प्यारा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो भी आप सभी लोगों को मैं ढेर सारा वाला वेलकम करती हूँ आज के इस प्यारी रीडिंग के अंदर। सो आज का जो टैरो सेशन, आज का जो टैरो रीडिंग होने वाली है, उसका टॉपिक होने वाला है व्हाट यू आर नॉट सीइंग बट एग्जैक्टली कमिंग इन योर लाइफ। जो आप नहीं देख रहे हैं बट एग्जैक्टली वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं दैट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ विच यू आर नॉट सीइंग, यू आर नॉट फीलिंग, बट एक्चुअली गोइंग टू हैपन सून। तो यहाँ पर दो पाइल्स मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, दिस इज पाइल नंबर वन, दिस इज पाइल नंबर टू। एंड आज का पाइल सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ईजी है। टुडेज रीडिंग इज टोटली बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल, आपके नाम के पहले अक्षर, ठीक है? तो अगर आपके नाम के पहले अक्षर ए सी डी ई आई के एल एम क्यू एस टी यू वाई है तो पाइल नंबर वन का चयन करें, और अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर बी एफ जी एच जे एन ओ पी आर वी डब्ल्यू एक्स एन जेड है तो पाइल नंबर टू को पिक करें, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस रीडिंग को विद द पाइल नंबर वन। एंड आप लोगों को क्या पॉजिटिव अच्छा लगा और क्या नहीं पसंद आया इस रीडिंग के हिसाब से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना माय ब्यूटीफुल पीपल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर वन। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी, किसी का तो कमेंट आया था कि आपकी आवाज़ नहीं आती है इन द वीडियो, तो मुझे बताइएगा गाइस कि क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है वीडियोज़ के अंदर, या क्या आपको सुनने में परेशानी होती है मेरी आवाज़, तो मैं फिर उसका कुछ इंतजाम करूँ। इंतजाम नहीं होता, वो इंतज़ाम होता है, तो मैं कुछ इंतज़ाम करूँ उसका, मैं कोई सोल्यूशन की तरफ आऊँ। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर वन। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर। आज का टैरो सेशन बेस्ड होने वाला है टोटली ऑन योर ओन एनर्जीज, आप लोगों की जो एनर्जीज है उसके ऊपर बेस्ड होगा। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है व्हाट यू आर एग्जैक्टली नॉट सीइंग इन योर लाइफ बट कमिंग। क्या है ऐसी चीज़ जो आप नहीं देख रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, बट आपकी लाइफ में वो एग्जैक्टली आने वाली है चीज़, तो वो क्या हो सकता है? आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके हमारी प्यारी स्पिरिट्स, एंजल्स, आर्कएंजल, परमपिता जी का नाम, एंड लेट्स सी क्या होता है। सो दिस रीडिंग इज अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, सो इफ इट रेजोनेट्स विद यू बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी अगर ये रीडिंग रेजोनेट हल्की फुल्की इधर उधर नहीं होती है तो आप लोगों ने ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इट्स ऑल अबाउट लाइक हो सकता है वो वाला पार्ट आपके लिए नहीं है, बिकॉज बींग अ रीडर आई विल गेट लॉट्स ऑफ मैसेजेस फॉर यू ऑल। ओके, एंड माई ब्यूटिफुल पीपल, कोई भी जोडियक अगर मैं आपको बताती हूँ कि इस रीडिंग के अंदर ये जोडियक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जोडियक नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। द थिंग इज, आप जो है अभी जो जोडियक यहाँ पर बताया गया है कार्ड्स में, आप उस जोडियक की एनर्जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? आप उस जोडियक से अभी हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। अच्छा बुरा जो भी होगा, जैसा भी होगा, आई विल टेल यू ऑल, बॉटम ऑफ द डेक इट्स पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी फ्रेश एनर्जी। मतलब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मॉर्निंग पर्सन हैं, मॉर्निंग पर्सन का मतलब है जल्दी उठना, एक्सरसाइज योगा वगैरह करना, या फिर चहलकदमी के लिए पार्क वगैरह जाना, ठीक है? ये चीजें आपको काफी अच्छी लगती हो, बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन। और हो सकता है कि आप लोग जो है ना अभी किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं,
आप लोग अभी काम कर रहे हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे। मे बी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल पहले नहीं हो ऐसे, बट अब बदल गए हैं, अब परिवर्तन आ गया है आपके अंदर। कि अभी ऑल दो मैंने कार्ड्स नहीं देखे, आई एम जस्ट गेटिंग द मैसेजेस और वही मैं आपको अभी ट्रांसफर कर रही हूँ, बता रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि हो सकता है पहले आप इतने हेल्थ कॉन्शियस, अपनी हेल्थ पे ख्याल रखना, अपने बालों को, अपने स्किन को, अपने रूटीन को ठीक से फॉलो करना, स्केड्यूल अच्छे से प्रिपेयर करना हर डेली रूटीन का, आप ऐसा पहले नहीं किया करते थे। बट मे बी हो सकता है कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आए, या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए, या कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज आ गई, ठीक है, या अचानक से आपको समझ आ गई कि अब आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो हो सकता है अब आप लोग डेली मॉर्निंग में सही टाइम पर उठ रहे हैं, अपना स्लीपिंग स्केड्यूल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आप सही टाइम पे उठ पा रहे हैं, कभी नहीं उठ पा रहे हैं, कभी आप अच्छे से मेडिटेट कर पा रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं, कभी आप वॉक कर रहे हैं, कभी आप जिम जा रहे हैं, कभी नहीं जा पा रहे हैं। सो फॉर 70% पीपल इट्स सम हाउ हो रहा है वाला कॉन्सेप्ट, और 30% लोगों के लिए आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि हाँ बहुत अच्छे से आप फॉलो कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ वाया एनर्जीज। मतलब नया नया जागा परिंदा होता है ना, नया नया एकदम। मे भी हो सकता है आप इस रीडिंग को तब देख रहे हैं जब आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज टाइमलेस रीडिंग, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ तभी आप इस एनर्जी को फील करें। सो व्हाट आई एम गेटिंग, स्ट्रांग रेजोल्यूशंस होता है ना नया नया, जैसे साल शुरू होता है बड़ा मन में आ जाता है हाँ मैं तो करके दिखाऊंगी, अब बताती हूँ। सो वी हैव स्टार, द एम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। Okay, these are the cards from the tarot. Okay, now from this deck we have ancestors, we have potency, फिर हमारे पास है trust, trust का card, and we have cleansing का card. Very good. इन कार्ड्स को भी हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर स्पिरिट गाइड का कार्ड है, बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, मैं यहाँ पर किस किस को देख पा रही हूँ। आई एम सीइंग एरीज, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, Gemini energy, okay, and we have two major arcanas here, okay. आप लोग इस strong energy को feel करने की कोशिश करें that we have three major arcanas here, the star, the emperor and the wheel of fortune. और ये जो एम्परर का कार्ड है ना, इससे मुझे मेजर अरकाना वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं, मुझे इससे किंग ऑफ वॉन्स वाली एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर अरकाना है, मेजर अरकाना टैरो डेक के अंदर हमेशा ये चीज़ बताते हैं कि जो कुछ भी होगा ना वो लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, लंबे टाइम तक होने वाला है, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर। तो ये जो इवेंट्स जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो आपको नहीं दिख रहा है बट आ रहे हैं, ये ना बहुत लंबे टाइम तक आपकी लाइफ के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। पहली बात, देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी का जो सूर्य है ना वो फाइनली उदय होने को है। एज यू कैन सी वी हैव स्ट्रॉन्ग सन हेयर, ब्राइट एकदम, और यहाँ पर भी एकदम ब्राइट सन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ माई ब्यूटिफुल पीपल, आई एम फीलिंग कि आपके ऊपर जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर्स एंड पूर्वज हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिनके अंदर श्रद्धा रखते हैं, आपके गुरुजन हो गए, ठीक है, या फिर आपके
आराध्य हो गए, ठीक है, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनके अंदर आपको बड़ा विश्वास है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर बरसाने वाले हैं, ठीक है, बरसाने वाले हैं। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने पास्ट में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक नेगेटिव फ्लोई एनर्जी महसूस करी। मतलब आपने एक ऐसा जीवन देखा है अभी कुछ समय पहले तक, या हो सकता है अभी भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी आपके साथ ऐसा है कि आप जाना चाहते हैं, यहाँ जा आप यहाँ रहे हैं एंड नेगेटिवली फ्लो कर रहे हैं आप, नेगेटिव फ्लो हो रहा है एंड यू आर नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और आपने अपने आप को कहीं ना कहीं कैद कर रखा है, ठीक है, आपने अपने पोटेंशियल को आप नहीं समझ पा रहे थे पास्ट में। बट मैं क्या देख रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो आपके आराध्य हैं, जिनके अंदर आपका आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो आपको ब्लेस करने वाले हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में अब राइट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे। जहाँ आप पास्ट में गलत डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे ना, रॉन्ग फ्लो कर रहे थे, वहाँ अब आप राइट डायरेक्शन में, राइट तरीके से फ्लो की एनर्जी में रहेंगे एंड ये किसी फुल मून के बाद होगा। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो और जब भी फुल मून आने वाला है, तो उसके बाद आप इस एनर्जी को फील कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, आज जस्ट जिस दिन मैं इस वीडियो को, दिस रीडिंग इज टोटली टाइमलेस, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए ही है, लेकिन आज जिस दिन मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, वो दिन भी फुल मून है और आज गुरु पूर्णिमा है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, फुल मून का एक सिग्निफिकेंट रोल है आपकी लाइफ के अंदर। ऐसा हो सकता है कि जब भी फुल मून आता है ना, तो आप बहुत या तो अच्छी या बहुत ही बुरी एनर्जी के अंदर होते हैं, या तो कुछ बहुत अच्छा होता है, कुछ बहुत बुरा होता है। तो समहाउ आई एम सीइंग ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंजल्स, ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, लाइक टुवर्ड्स इन योर लाइफ। एंड जब हमारे जितनी भी पॉजिटिव स्पिरिट्स की हमें ऊर्जा मिल जाती है, ब्लेसिंग मिल जाती है, तो हमारा जीवन यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, ये सच बात है। आप ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको किसी प्रकार का कोई पितृदोष हो, क्योंकि स्टार नेशन का कार्ड है, एंसेस्टर कार्ड है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि अपने पूर्वजों के नाम एक पेड़ जरूर लगा कर आए। जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके अगले दिन, है ना, या फिर जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने के बाद जो भी ट्यूसडे या सैटरडे पड़े, स्पेशली सैटरडे, आप जरूर से जरूर जाएं अपने घर से एटलीस्ट 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर, और अपने पूर्वजों के लिए मैंगो, बैनियान या नीम ट्री या फिर अशोक का पेड़ जो है आप लगा के आ सकते हो। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब उनकी ब्लेसिंग समहाउ आपके साथ है और होने वाली है, एंड अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो उनका ध्यान और स्ट्रांगली आपकी तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर, पास्ट में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाओं से आपका सामना हुआ, बहुत सारे लोगों ने गंदी खराब नजर लगाई। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई टोटका या किसी प्रकार का कोई स्पेल भी फील कर पा रही हूँ कि पास्ट में रहा आपके ऊपर। ऑल दो आपको यूनिवर्स ने हमेशा बचाया है, एज वी हैव ईगल हेयर, ठीक है, सो यूनिवर्स ने आपको हमेशा बचाया है, हर तरीके से बचाया है। एंड अगेन यहाँ पर पीछे फुल मून है, आप लोग देख सकते हो, देयर इज ऑल्सो अ फुल मून, ठीक है, तो फुल मून बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, फुल मून एंड ब्राइट सन इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो बहुत बार आपके साथ ऐसी गलत एनर्जी ने चीज़ों को ट्रांसफर किया, एज वी कैन सी देयर इज अ रिंग जिसके ऊपर एक आई बनी हुई है, और ये स्टोन नहीं है, ये आई है, ठीक है। अब ये इविल आई को मुझे बहुत स्ट्रांगली फील करा रही है कि किसी प्रकार की इविल आई रही आपके ऊपर, और आप उस चीज़ को ना बहुत क्लियरली समझ गए थे कि कौन है जो मेरे ऊपर इतनी गंदी नज़र डालता है, या कौन है जो मेरे ऊपर इतना मतलब गलत गलत करने की कोशिश करता है, और आपने अपने आप को ना उस पर्टिकुलर पर्सन से ना, यस, बीच में लियो आ गया था तो मुझे उसे संभालना पड़ा और मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। तो ऑल दो मैं यहाँ पर बता रही थी कि आप समझ गए थे कि ये वो औरत है या ये वो आदमी है जिससे मुझे बच के रहना चाहिए,
लेकिन हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो आपके ऊपर नजर लगाते थे ना, ये एग्जैक्टली आपकी लाइफ का वो अभिन्न पार्ट, या वो एक ऐसा पार्ट है, या वो ऐसे पार्ट रहे हैं आपकी लाइफ पे कि आप उनसे चीजें छुपा नहीं पा रहे थे, या जैसे एक ही छत के नीचे रहना या कुछ तो अब। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे आपने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया और हमेशा परमात्मा और परमात्मा के जितने भी सेवक हैं वो हमेशा आपके साथ रहे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों से बहुत प्रोटेक्ट हुए हैं। आपने अपने आप को विद योर हीलिंग कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज हील किया है, ठीक है, आपने अपने आप को क्लिंस किया है, या तो पास में या फिर अभी वो उस प्रोसेस में चल रहे हैं। बिकॉज जनरल रीडिंग है तो मैसेजेस सब लोगों के लिए मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, पोटेंसी का कार्ड है, पीसफुल वॉरियर, यानी कि एक ऐसा वॉरियर जो कि एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता है और वो कुछ ढूंढ रहा है। एंड अगेन वी हैव अ कार्ड ऑफ सन हेयर, अगेन वी हैव ईगल हेयर, तो यहाँ पर दो बार ईगल है और ईगल स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट बर्ड होते हैं। फॉर वॉट? फॉर द गुड स्पिरिट, फॉर द एंसेस्टर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एंजल्स, ठीक है। तो जब आपके एनिमल स्पिरिट्स और पॉजिटिव जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं आपसे कॉन्टेक्ट करती हैं तो वो ईगल के रूप में, आउल के रूप में आती हैं। और वही चीज़ मैं सेम यहाँ पर देख रही हूँ कि एक ऐसा इंसान जो कि कुछ करने में लगा हुआ है, कुछ करके दिखाएगा वाली एनर्जी है, एंड अपनी वो पोटेंसी को जान गया, अपनी पोटेंसी दैट मीन्स अपना कितना पोटेंशियल है, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ उसको जान गई है। एंड नाउ ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पर, और आपको परमात्मा पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि डेफिनेटली सब कुछ होता चला जाएगा। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, जिस दिन आपकी ये एनर्जी हो जाएगी ना कि आप अपने आप को हील कर पा रहे हो, अब पुरानी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, अब आप अपने पोटेंशियल को जान गए हो, अब आप परमात्मा पे बहुत ट्रस्ट करते हो, तब आप समझ जाना कि इस रीडिंग में जो चीज़ बताई गई है उसका 100% एग्जैक्ट वैसा होना शुरू हो गया है। अब मैंने ये चीज क्यों बताई पहले, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु सेज कि रीडिंग रेजोनेट्स वेरी वेल बट आउटकम रेजोनेट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पर बताया कि अगर आपकी ये एनर्जी है या फिर ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है धीरे धीरे, तो समझ जाइए दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक एंड वेरी सून, ओके, वेरी सून यू विल गेट जो भी इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको बताने वाली हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है जो आपके जीवन में आ रही है, जिसे आप नहीं देख रहे हो बट वो आ रही है। सबसे पहली चीज, एम्परर का कार्ड, आई एम सीइंग अ स्ट्रांग स्टेबल करियर आपका सेट होने वाला है। चाहे आप कोई जॉब करते हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, आपको किसी भी प्रकार का लॉस या किसी भी प्रकार का आपको इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, या जो भी सिचुएशन थी, फाइनली अब वो सिचुएशन खत्म होने वाली है आपकी लाइफ से। एंड एम्परर का कार्ड है, दैट मीन्स स्पेसिफिकली आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अब स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। एंड क्योंकि हमारे पास स्टार का कार्ड है, तो आई मस्ट से ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक बहुत ही होपफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ के अंदर ना। पाइल नंबर वन पीपल, करियर को लेकर के, स्पेशली करियर को लेकर के, मैं यहाँ पे लव की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, स्पेशली करियर को लेकर के आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है सेट हो रहा है, या तो आपको कुछ ऐसे आइडियाज आ रहे हैं जिनके ऊपर काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं, या फिर आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी जगह पर आप काम कर रहे हैं ना, अगर वो आपके लिए डिजर्विंग नहीं है, आप उससे कई गुना ज्यादा डिजर्व करते हैं, तो फॉर श्योर आप जो है उस जगह से निकल के उस पर्टिकुलर जगह पे चले जाएंगे जहां आप डिजर्व करते हैं, आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक आएगा, एंड आपकी किस्मत का जो पहिया है ना, जो ऐसे रिवर्स मोड पे चल रहा था, अब वो फाइनली फॉरवर्ड एनर्जी में रहेगा और आपकी लाइफ जो है अब बेहतरीन अंदाज में बदलने वाली है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर मनी पैटर्न, इन योर करियर इज कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर वन पीपल। और ये जो चीज़ आपके जीवन में आ रही है ना, हो सकता है अभी प्रेजेंटली आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे, हो सकता है आप में से कुछ लोग क्योंकि एम्परर का कार्ड है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बट गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप लोग जॉब कर रहे हैं बट इंक्रीमेंट नहीं ले पा रहे हैं,
पैसा नहीं बढ़ रहा है अच्छे से, काम इतना करवाते हैं लोग, राइट? या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार की एक स्ट्रांगनेस नहीं देख रहे हैं, क्लाइंट नहीं देख रहे हैं. सो बेसिकली विद द कार्ड ऑफ एम्परर, विद द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विद द कार्ड ऑफ स्टार, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये कार्ड मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फील करा रहा है. तो आपके करियर के अंदर चार चांद लगने वाली है बहुत जल्दी. नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ स्पिरिट गाइड. अगेन योर एंसेस्टर्स आर देयर फॉर यू. कॉन्फिडेंस, मैंने बोला ही था आपके जीवन में भर भर के कॉन्फिडेंस आने को है. आपको जस्टिस मिलेगा क्योंकि इतने टाइम से हो सकता है पाइल नंबर वन पीपल यू आर नॉट गेटिंग जस्टिस इन योर वर्क, एंड आपकी लाइफ के अंदर अब सब कुछ वेल बींग पॉजिटिव तरीके से होगा. नाउ लेट्स सी, इज देयर एनी ऑब्स्टिकल्स, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्स्टिकल है क्या, देख लेते हैं. मिरर इफेक्ट, बस एक चीज पे ध्यान रखना, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक है कार्मिक मैसेज. एक चीज पे ध्यान रखना है पाइल नंबर वन पीपल, आप लोगों ने अंतर मन में नेगेटिविटी का कीड़ा ना आने दें, ठीक है. जितना हो सके अच्छा सोचे, पॉजिटिव रहे पाइल नंबर वन पीपल, क्योंकि मिरर इफेक्ट का कार्ड है कार्ड नंबर 13, एंड 13 नंबर इज अ कार्मिक डेथ नंबर ऑफ मनी. तो अगेन मनी की ऊर्जा है और मिरर इफेक्ट का कार्ड है, और सब कुछ बात यहाँ पे करियर और मनी और स्टेबिलिटी की हो रही है. तो बोला जा रहा है अच्छा सोचना. आप जितना अंतर मन में अच्छा सोचोगे उतना आप बाहर उसका रिफ्लेक्शन देखोगे पॉजिटिव, ठीक है. और क्योंकि जिस दिन मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को शूट कर रही हूँ उस दिन है फुल मून, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड निकालूंगी फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक. सो एडवाइस फॉर यू इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. अपने सपनों पर क्या रखेंगे, अपने सपनों पर भरोसा रखेंगे तो फिर आप वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं. देखो अगर आप एक आप बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे स्टार बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, बट पीपल यूज टू लाफ ऑन मी, ऑन माई फेस, शक्ल देखिए अपनी, अरे आजकल बड़ा कॉम्पिटिशन है ये वो. बट एक चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है, राइट? अगर आपका मन है, आपके इंटेंशंस पॉजिटिव हैं, अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है और भरपूर मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं. सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल, यू आर नॉट सेइंग बट योर करियर ग्रोथ इज कमिंग टू यू, एंड ये आ रही है बहुत भागी भागी. एंड वी हैव अ पॉजिटिव कार्ड ऑफ ट्रम्प विद परसिस्टेंस. मैं ऐसे दिखा सकती हूँ आप लोगों को, इसकी पिक्चर नहीं दिखा सकती हूँ. आई फाइंड कम्फर्ट इन द अनकम्फर्टेबल एंड आई फाइंड ईज ऑन माई हार्ट डेज बाय रिमेम्बरिंग माई पर्पज ऑन अर्थ. यानी कि इस कार्ड के हिसाब से यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको भी किस एनर्जी में रहने की जरूरत है, कि जो भी अनकम्फर्टेबल और नेगेटिव भी है ना मेरी लाइफ में, उसको भी मैं समझ के आगे बढ़ रही हूँ, और मैं अपने हार्ड डेज को भी याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पर्पस अर्थ पर कैसा है या क्या है. ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट दिस ब्यूटीफुल पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी. लेट मी चेक कब तक अपने आप ये कार्ड गिरा है, एंड इट इज अ कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ कप्स. इस रीडिंग को देखने के 6 डेज के बाद अगर ये वाला पैटर्न आपके साथ हो रहा है एनर्जीज के अंदर, तो सो 6 डेज आफ्टर सीइंग दिस रीडिंग इफ यू आर गेटिंग दिस एनर्जी इन योर बॉडी, इन योर माइंड, इन योर सोल, देन डेफिनेटली दिस विल गोइंग टू हैपन फॉर श्योर बहुत जल्दी. सो पाइल नंबर वन पीपल, कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. एंड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, रेकी का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, और उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो है 7 डेज एंड बिकम द हीलर. सो अगर आप लोग उसको करना चाहते हैं देन डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन, एवरी डिटेल इज देयर. और अगर आपको करना है देन डेफिनेटली मुझे मेल करें या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है. लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग के अंदर.
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। सो दिस रीडिंग इज फॉर दोज पीपल जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है। यू गाइस कैन हैव अ लुक। ठीक है, अच्छे से पहचान लिया, समझ गए अच्छे से। चलो अब शुरू करते हैं। तो इसको मैं रख देती हूं यहां, ओके, सो दैट यू गाइस कैन गेट द एनर्जी कि हाँ भैया पाइल नंबर टू वालों की रीडिंग अब चल रही है। आइए शुरू करते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू पाइल नंबर टू पीपल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं रीडिंग के अंदर जोडियक्स बताती हूं और अगर वो जोडियक आपका नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है दैट रीडिंग इज नॉट बिलोंग्स टू यू, बट इसका मतलब ये है गाइस कि अभी आपकी जो ऊर्जा है या आपकी जो पर्सनालिटी है वो इस जोडियक से ज्यादा रेजोनेट हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। स्पिरिट्स ने अपने आप दिया है तो मैं इस कार्ड को डेफिनेटली लूंगी। वट एवर गुड और वट एवर बैड, जो भी जैसा भी आ रहा है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। अपने आप गिरा है तो इसको मैं डेफिनेटली लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक इट्स अ स्वीट ग्रास ब्रेड, दैट मीन्स रिसेप्टिविटी। अगेन दोनों कार्ड्स खुद से गिरे हैं आप लोगों की रीडिंग में। वाओ यार, पाइल नंबर टू पीपल अपने आप कार्ड्स गिर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहां पर फील कर पा रही हूं पाइल नंबर टू पीपल कि आप लोगों के जीवन में ऑलरेडी किसी प्रकार का एक स्ट्रेंजफुल चेंज चल रहा है या फिर किसी तरीके की कोई ऐसी दुविधा आपके मन में चल रही है पाइल नंबर टू पीपल, जिसकी वजह से हो सकता है आपको रातों को नींद नहीं है या सुकून नहीं मिल पाता है बहुत बार, या फिर आप व्याकुल हो जाते हैं या बेचैन हो जाते हैं या ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल आप लोग पाइल नंबर टू कि ये कैसे होगा, इसको मैं क्या करूँ, इसका क्या करूँ, फलाना ढिमकाना। तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली चल रही हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। नाउ वी हैव रिकनेक्शन, देन वी हैव अ चेंज, मैंने पहले बोला था, फिर है रिलीज और फिर है होप। ठीक है, इन कार्ड्स को यहाँ, अरे बाबा ये टिक ही नहीं रहा, यहाँ लगा। आई होप कि आप लोगों को विजिबल है, राइट? ओके, यहां पर बॉटम ऑफ द डेक आया था क्लैरिटी, बॉटम ऑफ द कार्ड। सो स्टार्ट करते हैं, बाद में देखेंगे यहां से और कार्ड्स।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये जोडियक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि आप लोगों की जो ऊर्जा है अभी पाइल नंबर टू पीपल, वो इन एनर्जीज में, वो इन जोडियक्स में बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। यानी हो सकता है आप काफी ज्यादा फ्लोई हो रहे हैं, आप चीजों को लेकर के काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, सोचते बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, दिमाग बहुत लगा रहे हैं चीजों के अंदर, इनसिक्योर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ओके। एंड आप किसी निष्कर्ष पर, किसी कंक्लूजन पर आना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको ऐसा लगने लगा है कि बस बहुत हो गई है, ठीक है। सो यू गाइज वॉन्ट टू कम ऑन अ कंक्लूजन, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर, आप एक कंक्लूजन पर आना चाहते हैं और वो कंक्लूजन आपको बहुत इजीली मिल नहीं रहा है, चाहे फिर वो पढ़ाई का कंक्लूजन है, चाहे करियर का कंक्लूजन है, या किसी जॉब का है, या प्यार का है, मतलब यू गाइज आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी, यू गाइज आर नॉट गेटिंग कंक्लूजन कि आखिरकार ये जो कुछ भी चल रहा है, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये जो कुछ भी चल रहा है इसका अंत क्या होगा, या इसकी सिचुएशंस आगे चल करके क्या होंगी, या मुझे आगे क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, दैट कंक्लूजन्स यू गाइज आर नॉट गेटिंग, ठीक है, कंक्लूजन आपको नहीं मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि देखो, पहले तो इस कार्ड को देखिए आप, ये कार्ड है 11 नंबर का, जिसके अंदर लिखा हुआ है साफ शब्दों में रूट्स एंड कनेक्शन। आप पता है किस तरीके के इंसान है पाइल नंबर टू पीपल, आप लोग इस तरीके के इंसान है कि आप या तो कोई चीज करेंगे नहीं, और जब आप करेंगे ना तो आप उसके अंदर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड विथ दिस कार्ड आई एम सीइंग, ये पेड़ देखो इसकी जड़ें कितनी अंदर तक गई हुई है, और सन भी है यहाँ पर ब्राइट, और वाटर भी है, लैंड भी है। तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आप एक शेप शिफ्टर्स होते हैं ना, आपने सुना होगा कि एक प्रकार की मखलूक होती है, या मैं कहूँ कि एक प्रकार की शेप शिफ्टिंग करने वाले कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं। सो मैं यहाँ पर आपको इस चीज़ में नेगेटिव नहीं फील कर रही हूँ, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ एक पॉजिटिव सुपर्ब सुप्रीम चेंज। लाइक आपके अंदर से जितने भी इमेच्योरिटी है, जितना भी खुद को गलत मानना, या जितना भी खुद को भला बुरा बोलना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होने को है। एंड आई एम सीइंग आपकी जो जड़ें हैं ना, जो आपकी जड़ें हैं, जो आपकी रूट्स हैं, वो आर स्ट्रांगली इधर उधर फैलने वाली हैं, एंड आप उन जड़ों को महसूस कर पाएंगे अपनी लाइफ में। आप महसूस कर पाएंगे कि आप कितना कुछ अच्छा और कितना कुछ अच्छा पॉजिटिव अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट कर पा रहे हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं पाइल नंबर टू पीपल, एंड बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी जो जड़ें हैं वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं, आप वो घना वृक्ष बनने वाले हैं जिस वृक्ष के नीचे, ठीक है, जिस दरख्त के नीचे, जिस पेड़ के नीचे बहुत सारे जीव जंतु पलते हैं, ठीक है, जिसके नीचे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं खुशी खुशी। तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है, चाहे आपकी जो भी एज है, जिस भी तरीके से आप चल रहे हैं, आई एम सीइंग कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने को है जिसकी वजह से यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू विल फील योर सेल्फ स्टेबल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों का भरण पोषण कर पाएंगे, आप अपने फैमिली वालों का, एंड देन फिर उसके बाद में अपने सोल पर्पस के अकॉर्डिंग लोग या एनिमल्स या प्लांट्स का भरण पोषण की तरफ आप मुझे जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब नो मोर इमेच्योरिटी, नो मोर गलत डिसीजंस। अब आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, अब आप जो भी काम करने वाले हैं, अब आप जैसे भी करने वाले हैं, आई एम सीइंग अ स्ट्रांग पॉजिटिव हैप्पी चेंज इज कमिंग इन योर वे। आप एक अलग ही पर्सन बन जाएंगे। इनफैक्ट आपके साथ ऐसा होने वाला है पाइल नंबर टू पीपल कि कोई आपका फ्रेंड है या कोई आपका रिलेटिव है जिसने आपको देखा था 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले जिसने आपको देखा था, अब वो जब आपको देखेंगे ना गाइज, तो वो ये बोलेंगे हाय राम तू इतना बदल गई, हाय राम तू तो ऐसा नहीं था। तो इस तरीके के है ना लोगों के विश्लेषण होने वाले हैं। सो आई एम सीइंग अ स्ट्रांग चेंज इन योर मेंटल स्टेबिलिटी, इन योर बिहेवियरल एस्पेक्ट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके फिजिकल स्वरूप के अंदर, ठीक है। आप अपने हाईएस्ट पर जाने वाले हैं पाइल नंबर टू पीपल। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, हाईएस्ट का क्या मतलब हो गया,
हाईएस्ट का मतलब ये हो गया कि जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे या जो आप करने से वंचित रह रहे थे ना, अब आप वो सब करने वाले हैं। मैं यहाँ पर ऐसा भी फील कर रही हूँ दैट आप अपने अंतर मन की जो आर्टिस्टिक ऊर्जा है उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालेंगे और आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लाइक यू आर डूइंग सम जॉब बट आपको पेंटिंग बहुत पसंद है, ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क, द क्रिएशन। आपको कुकिंग बहुत पसंद है या आपको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, ठीक है, या कुछ नया आपको प्रिपेयर करना पसंद है, आपको आर्ट क्राफ्ट बड़ा पसंद है, तो आप उसके अंदर भी अपना दिमाग लगाएंगे, उस अपनी हॉबी के अंदर भी थोड़ा सा झांक के देखेंगे एंड आप अपनी नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर पाएंगे। और इस नेगेटिविटी रिलीज़ की वजह से जो काम आप करना चाहते हो आप वो कर पा रहे हो, उसकी वजह से, अपनी स्टेबिलिटी की वजह से यू गाइज विल फील होपफुल, ठीक है, होपफुल महसूस करेंगे आप बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पर ना फुल मून की एनर्जी कम और न्यू मून की एनर्जी मैं ज़्यादा देख रही हूँ, और स्पेशली कैसे, जैसे आज न्यू मून है तो उसके बाद जैसे वो चंदा मामा जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं ना, तो न्यू मून के बाद का जो फेज़ है मैं उन 15 दिन की एनर्जी आप लोगों की तरफ से ज़्यादा देख रही हूँ। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप जब भी न्यू मून आएगा, ओके, उस वक्त आपकी एनर्जीज इस तरीके से चेंज होंगी। सो इन योर लाइफ देयर इज अ विंड चेंज। विंड चेंज यानी हवाएं बदलने वाली हैं, आपको एक क्लैरिटी आने वाली है। आप अपने जीवन में चाहे फिर वो कोई रिश्ता हो, चाहे फिर वो कोई सिचुएशन हो, अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं पा पा रहे थे ना, तो फाइनली यू गाइज विल गेट क्लैरिटी, यू गाइज विल गेट बूस्ट इन योर ट्रांसफॉर्मेशन। आप फिजिकली बदल रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, यू गाइज आर चेंजिंग। मतलब जैसे शिफ्ट चेंज करता है ना शेप शिफ्टर, उसी तरीके से यू गाइज विल शिफ्ट दी एनर्जीज। क्योंकि पास्ट में आपने ओवर थिंकिंग बहुत करी है भाई, बहुत ओवर थिंकिंग करी है, सब सोच का कार्ड है, बहुत सोच सोच के आपने अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी को लेकर आए हैं आप, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग आप करते थे चीज़ों को लेकर के, आप काफ़ी इनसिक्योर रहे हैं 5 of Swords। और ये इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ के अंदर आपकी नॉलेज को कहीं ना कहीं नेगेटिवली अप्रोच करती रही है। आप बहुत ही समझदार, बहुत ही जेन्युइन एंड विजडम वाले इंसान हैं, लेकिन आप ना अभी किंग ऑफ कप्स की तरह काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी इमेच्योर रहे, बट अब फाइनली आपकी लाइफ के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, चेंज आ रहा है, आप कुछ नया क्रिएटिव करने वाले हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करने वाले हैं एंड ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपको होप्स देंगी। सो स्टेबिलिटी, हैप्पी चेंज, करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी इज कमिंग। अगेन स्टेबिलिटी बोल दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे भी देख सकते हो आप क्लैरिटी, अगेन क्लैरिटी का कार्ड है, जो आप इतने समय से चाहते थे ना फाइनली वो आपको मिल रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का सच आपके सामने आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई सच जिसको जानने के बाद, समझने के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और इस ये चीज़ अगर मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर है। एक स्ट्रांग पॉजिटिव ट्रैवल में देख रही हूँ, और जो पास्ट की जो नेगेटिव ग्रीविंग एनर्जी है ना, फाइनली आप इन सब चीजों से आगे बढ़ करके कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। सो आई एम सीइंग चेंज इन अ विंड फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। हो सकता है आप लोग अभी इन सब चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वही आज का टॉपिक है दैट यू आर नॉट सीइंग बट इट इज गोइंग टू हैपन और कमिंग इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपकी लाइफ में आ रही है और ये बहुत खूबसूरती के साथ आपके जीवन में आएगी। कब तक आएगी? कमिंग 10 डेज। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपकी एनर्जीज ऐसे बदलने लगी हैं जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप समझ जाना कि अब समय आ गया है फॉर द ब्यूटिफुल पॉजिटिव चेंज इन माई लाइफ। 10 of Cups का कार्ड है, इस रीडिंग को देखने के 10 दिन के बाद। मैं आप लोगों को हर वीडियो में टाइमिंग बताने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्री मैसेज, और ये फ्री मैसेज क्या है? लर्निंग। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, मैसेज ऑफ फ्रीडम। सो आपको एक फ्री की एडवाइस दी जाती है। फ्री की एडवाइस ये है यहाँ पे, अपने बारे में सोचें, सीखें, और उस जो आपने सीखा है ना वो आप और लोगों को भी सिखाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड के अंदर 4 नंबर है एंड 4 नंबर स्टैंड्स फॉर राहु। तो यहाँ पर राहु की जो एनर्जी होती है ना गाइज, वो कैसी होती है कि आप
प्रॉपर एक स्केड्यूल में रहे, आप एक प्रॉपर प्लानिंग में रहे, आप संयम से चले, आप बैलेंस से चले, तो डेफिनेटली राहु आपको वो सब देते हैं जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, सो लर्निंग का यहाँ पर जो कार्ड है, और ये स्पेशली लर्निंग यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जोडियक्स हैं, ये मतलब मुझे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रून्स की एनर्जी महसूस करा रहा है। तो आई मस्ट से आप इसे कुछ लोग जो हैं कुछ ऐसा लर्न करने वाले हैं जो कि आर्टिस्टिक होगा, ठीक है, कुछ ऐसा जो कि आपका इंटरेस्ट होगा। सो फ्री की एडवाइस है कि लर्न करें, अपने आप को फ्री करें फ्रॉम द नेगेटिविटी और अपने लिए जिए। यहां पर है फील योर प्योरिटी, आई होल्ड माय फोकस इन द डायरेक्शन ऑफ प्योर लाइट एंड जॉय। अगेन द सेम थिंग, बार बार क्या रिपीट करूं मैं, कि फील करें उस ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को महसूस करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। नाउ एडवाइस फॉर यू ऑल इज, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को खराब ना करने दें, ठीक है, आगे बढ़ें और डेली मेडिटेट जरूर करें और अपने आप को बैलेंस करें। एक न्यू पॉजिटिव रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। कैसे? जैसे ही आप दिखाएंगे ना कि आप कौन है, शो द वर्ल्ड रियल यू, तो अब समय आ गया कि आप लोगों को दिखा दें कि आप एवें की कुछ ऐसे वैसे नहीं है, आप बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हैं, आप बहुत कुछ आसपास के लोगों के लिए कर सकते हैं और आप एक अलग ही किस्म के एक पॉजिटिव पर्सन हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, जिन भी लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक थे, गाइज यू गाइज विल गेट दोज पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। रेकी का जो नेक्स्ट बैच है वो लॉन्च हो चुका है, उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वो सारी डिटेल पढ़ लेते हैं और आप इनरोल करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप मुझे मेल करें या फिर मैसेज करें माय इंस्टाग्राम। सो लव यू ऑल गाइज, अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, जल्दी मिलेंगे एक और पॉजिटिव नई रीडिंग के अंदर।